जैश ए मोहम्मद द्वारा रची गई एक नापाक साजिश के तहत कश्मीर में हमारे 40 जवान शहीद हो गए। पूरे देश के नागरिक उन जवानों और उनके परिवार के साथ खड़े हैं। वरिष्ठ नागरिकों से लेकर छोटे बच्चे भी जानते हैं कि सैनिकों ने हमारे देश के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है। पुलवामा में शहीद हुए वीर जवानों के लिए रविवार की सुबह कोनगांव स्थित आरएन इंग्लिश स्कूल के सैकड़ों विद्यार्थियों ने स्कूल प्रशासन के साथ मिलकर मार्च निकालते हुए सरकार से मांग की कि पुलवामा के आतंकियों सहित पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाओ, एक दो पाकिस्तान को ठोक दो का नारा लगाते हुए विद्यार्थियों ने आतंकियों को सबक सिखाने की मांग की। इस मौके पर मौजूद स्कूल के चेयरमैन रामनाथ सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर निधि कुमार सिंह, प्रधानाचार्य वंदना वकाले सहित स्कूल प्रशासन सहित आदि मान्यवर मौजूद थे। ये रैली के थ्रू हम सरकार को बताना चाहते हैं, जो हमारे स्टाफ में, टीचरों में, बच्चों में जो आक्रोश था कि आप कुछ तो करो पाकिस्तान में। आज बीजेपी की सरकार के रूप में है, देश में है, सबका सपोर्ट मिलना चाहिए और कुछ ना कुछ दिखाना चाहिए पाकिस्तान में कि हाँ हमारे बीच में पूरा भोगने का अंजाम क्या होगा। 14 फरवरी को जैसे हमारे CRPF जवानों को मारा है, उनको सामने से वार नहीं किया, उनको जो पीछे से वार किया है उससे हमारे जितने देशवासी हैं उनके मन में बहुत गुस्सा है। और हर जगह हम देख रहे हैं रैली निकल रही है, लोगों में इतना गुस्सा है, वो बोल रहे हैं कि हमको बदला चाहिए। तो हमारे स्कूल के बच्चों में भी वही चीज़ है। हमने किसी को कहा नहीं कि हमको ये रैली निकालनी है या कुछ भी करना है। एक बार हमने सिर्फ ये बात की कि कुछ करना चाहिए, हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि लोगों के मन में गुस्सा है। इसके लिए हमारे सारे बच्चों ने मिलकर ये जो रैली निकाली है, ये हमारे CRPF जवानों ने जो बलिदान दिया है उसके बदले गुस्सा है और वो ये चाहते हैं कि भारत सरकार इस चीज़ का बदला ले और बहुत सही तरीके से ले बदला, कि अगली बार उनको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि हमने जो गलत किया है उस चीज़ का क्या अंजाम होगा।